नाउ स्टूडेंट्स एजाइल के अंदर ऐसा अन नहीं है कि हम ये कहें क्योंकि क्योंकि हम एजाइल यूज कर रहे हैं हम एस्टिमेशन ही नहीं करेंगे ऐसा नहीं होता वी डू एस्टिमेट लेकिन जरा तरीका फर्क है एस्टिमेशन में हम यूज करते हैं स्टोरी पॉइंट और बजाय आवर्स बताने के कि एक काम कितनी देर में होगा हम ये बताते हैं कि एक टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है रीजन के बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको टास्क की पूरी डिटेल नहीं पता होती यानी आपको कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये टास्क कितना को कॉम्प्लेक्स होगा आप कॉम्प्लेक्सिटी आप को रेट करते हैं या अब कॉम्प्लेक्सिटी को एस्टिमेट करते हैं नॉट एक्चुअल आवर्स यानी जो स्टोरी पॉइंट्स है वो आपको ये रिफ्लेक्ट कतन नहीं कर रही होती कि ये काम कितने घंटे में होगा वो आपको ये बता रही होती है यानी स्टोरी पॉइंट आपको यह बता रहा होता है कि ये काम करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है तो आप कॉम्प्लेक्सिटी आप को कोई नोमरिक वैल्यू दे रहे होते हैं यानी अगर ट्रेडिशनली uh, आपने आवर्स uh, बताए हैं यानी एक काम करने के फॉर एग्जाम्पल छः घंटे हैं या दो घंटे हैं तो स्टोरी पॉइंट में भी बताते हैं आप नोमरिक वैल्यू ही हैं लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन आवर्स नहीं होती यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को स्टोरी पॉइंट टू साइन कर दी है सो दिस डज नॉट मीन कि ये काम दो घंटे का है इससे मुराद ये है कि ये जो टास्क है इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो कुछ कम है क्योंकि जो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी जो स्टोरी को अगर वन आपने असाइन कर दिया स्टोरी पॉइंट तो उसका मतलब है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है यानी कॉम्प्लेक्सिटी मीन कि आपको टास्क समझ आ गया रिस्क आपको पता है कुछ ग्रे एरियाज नहीं है जो मेरा मेन फोकस है कि आप आपको एक टास्क करने के लिए या एक यूजर स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए चार स्टेप्स करने थे जब आप यह कहते हैं कि ये यूजर स्टोरी की एस्टिमेशन स्टोरी पॉइंट वन है इसका मतलब है आपको चार में से तीन साढ़े तीन स्टेप्स क्लियर है वन आप इसलिए लिख रहे हैं कि कुछ चीजें ऑन द वे आएंगी जैसे जैसे स्टोरी पॉइंट इंक्रीज होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है वट डज इट मीन कि कुछ चीजें हैं जो आप कहते हैं कि अभी अभी तो मुझे क्लियर नहीं है लेकिन जैसे मैं डेवलपमेंट स्टार्ट करूंगा चीजें क्लियर होती जाएंगी इसके अंदर एक स्टोरी पॉइंट की वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है ही लेकिन एक स्टोरी पॉइंट की जो रेलेटिव वैल्यू है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक टास्क है टास्क ए है उसका स्टोरी पॉइंट वन है तो जो टास्क टू है फॉर एग्जाम्पल उसका स्टोरी पॉइंट टू है तो टू हमें यह बता रहा है कि रिलेटिव टू वन टास्क टू को की कॉम्प्लेक्सिटी है या थ्री है या फोर है या सिक्स है एंड सो ऑन तो हम इससे बेसिकली जज ये करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक डेवलपर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है या कितनी कितनी कॉम्प्लेक्स टास्क को वो वो कंप्लीट करने की अटैम्प्ट कर रहा है ना कि आवर्स तो ये थोड़ा सा आ, 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 औ, आ आ आ और और एजाइल में वी डोंट डू एस्टिमेशन यूजिंग आवर्स वी डू एस्टिमेशन यूजिंग स्टोरी पॉइंट्स बाय असाइनिंग सम नुमैरिक वैल्यू या बाय असाइनिंग सर्टन सर्टन ग्रेड या सर्टन फ्लोटिंग वैल्यू कुछ नुमेरिक वैल्यू आपने असाइन करनी है लेकिन एक टास्क की एक वैल्यू दूसरे टास्क की रिलेटिव वैल्यू बता रही है यानी टास्क टू अगर फॉर एग्जांपल चार स्टोरी पॉइंट का है तो वो रिलेटिव टू टास्क नंबर है या रिलेटिव टू द टास्क विद मिनिमम स्टोरी पॉइंट है कि अगर एक टास्क को करने में कम से कम एक स्टोरी पॉइंट लग रहा है तो उसके हिसाब से टास्क टू को करने में चार स्टोरी पॉइंट लग रहे हैं तो ये रिलेटिव वैल्यू हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अब हम डेवलपर को आवर्स की बेसिस के ऊपर जज नहीं कर रहे हम उसको जज कर रहे हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स लेवल का उसने टास्क कंप्लीट करने की कोशिश की है